मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्कूल संचालक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरेटा रोड स्थित प्राइवेट स्कूल का है, जहां डायरेक्टर को कुछ लोग स्कूल के बाहर से कार में बैठाकर ले गए, बाद में मारपीट कर भिंड रोड पर छोड़कर फरार हो गए। वहीं पूरा मामला बिजली ठेकेदार की ओर से ट्रांसफॉर्म लगाने के दस्तावेज का बताया गया है, जिसके कारण स्कूल संचालक को बंधक बनाकर मारपीट की गई। वहीं पीड़ित स्कूल संचालक ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर पुलिस ने घटना के कुछ दूरी पर अवैध हथियार बरामद किए। ग्वालियर से संवाददाता योगेश पिसारिया की रिपोर्ट। आज मैं सुबह स्कूल में अपने पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे ये राजकुमार तोमर तथा अन्य 14 लोग वहाँ पर 3 गाड़ियों से भर के आए थे। तो इन्होंने पहले मुझे फ़ोन करके सिंपली मैम बोला था कि आप स्कूल के बाहर आ जाइए, हम आपको कागज़ दे देते हैं। तो जैसे मैं स्कूल के बाहर पहुंचा तो इन लोगों ने मेरी मारपीट चालू कर दी। उसके बाद जब मैंने इन लोगों ने मारपीट चालू कर दी, फिर मेरे को बंदूक के बट से मेरी आँख पर भी चोट मारी इन्होंने। 3-3 बंदूकें थी इनके साथ में, और इसके बाद ये लोग मेरे गाड़ी में डाल के ले गए थे करगवा साइड खाली स्थान पर। वहाँ पर इन लोगों ने मेरे साथ और ही मारपीट आई वहाँ पर की उतारने के बाद, और उसके बाद ये मेरे को ये एयरपोर्ट भिंड रोड पर रहा है वहाँ पर आके मुझे फेंक के चले गए थे। अभी इनका मेडिकल कराया गया है। इनकी तरफ से राजकुमार तोमर सहित अन्य जितने भी आरोपी हैं, उन सबके विरुद्ध बलवा, अपहरण, मारपीट और दुर्व्यवहार सहित अनेक गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। इसी बीच में पुलिस को यह भी ज्ञात हुआ था कि आरोपी पक्ष के लोग कहीं एकत्रित हो रहे हैं, तो रेड करके और राजकुमार के 3 साथियों को हिरासत में लिया है। एक वाहन भी जब्त किया है। जब उसकी तलाशी ली गई तो उस वाहन में 315 बोर की 3 बंदूकें और लगभग 25 के आसपास जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं।